फतह मक्का के मौके पर कुरैश की एक बीबी ने चोरी कर ली। मुकदमा दायर हुआ, तफ्तीश के बाद जुर्म साबित हो गया। नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसका हाथ काटा जाएगा। वो लोग हजरत उसामा बिन जायद के पास आए और बड़ी हिकमतें बयान की, बड़े दलाइल दिए, बहुत सारी बातें समझाई। कहने लगे अभी नया नया कलमा पढ़ा है, जरा दीन में आ जाएंगे, थोड़े से समझ जाएंगे, फिर हद कायम होगी तो भागेंगे नहीं, जरा उन्हें आ लेने दो, समझ लेने दो। नबी करीम अलैहि सलातो सलाम से कहिए थोड़ी सी हुजूर रियायत कर दे, जरा करीब आएंगे तो हद जारी हो जाएगी। हजरत उसामा बिन जायद तैयार हो गए, उन्हें पता था कि हुजूर मेरी बात कभी लौटाया नहीं करते। जनाब उसामा कहते हैं मैं हुजूर के करीब आके बैठा और मैंने बैठा ना जब हुजूर के पास तो बात कोई नहीं की, सरकार ने रुख फेरा, कैसे आए हो? अर्ज किया या रसूल अल्लाह, सब कहिएगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैंने अर्ज की हुजूर एक छोटी सी बात करनी थी, तो हुजूर ने फरमाया करो। या रसूल अल्लाह बात जरा मुश्किल है। फरमाया तू कर तो सही। हुजूर वो छोटी सी सिफार, फरमाया बोल बात कर उसामा, तेरी बात कौन लौटाता है? जनाब उसामा बिन ज़ायद कहते हैं मैंने कहा हुजूर वो कुरैश की बीबी जिस पर चोरी साबित हो गई है, अगर उसे थोड़ी रियायत मिल जाए तो उसका काफिला नया नया आया है, कबीला नया नया इस्लाम कबूल किया, हुजूर थोड़ी रियायत मिल जाए तो चलो पुख्तगी के बाद जैसे आप चाहेंगे। मेरे महबूब ने रुख फेरा तो जनाब उसामा बिन ज़ायद कहते हैं मेरा वजूद थर थर कांपने लगा, बस गजब से उनके खुदा बचाए। फरमाते हैं मैं कांपने लगा, नबी पाक ने फरमाया उसामा मुझे तू बड़ा प्यारा है, बड़ा अजीज है, पर मैं रब करीम के हुदूद के मामले में किसी की परवाह नहीं करता। जहां अल्तिल का हुदूदुल्लाह, ये अल्लाह की हदें हैं, इस मामले में मैं किसी शख्स की रियायत नहीं करता। फरमाया तुमसे पहली कौमें तबाह इसलिए हुई कि गरीब जुर्म करते थे तो सजा मिलती थी, अमीर जुर्म करते थे तो छोड़ दिए जाते थे। मैं खबरदार तुमने जुर्रत कैसे की इस मामले में सिफारिश करने की। उसामा कहते मैं हांफता कांपता लरजता मस्जिद से चला गया। सुबह की बात थी, जुमे का खुतबा शुरू हुआ, मदीने वाले महबूब मिंबर पे बैठे। जनाब उसामा फरमाते हैं मेरा वजूद थर थर कांप रहा था मेरे महबूब के जुमले। हुजूर ने बात कहां से शुरू की? फरमाते हम सब जानते थे कि नबी पाक को सबसे ज्यादा मोहब्बत हजरत जनाबी सैयदा फातिमा ज़हरा के साथ है, सबसे ज्यादा प्यार उनसे करते। जितनी दफा जनाबे फातिमा आती खड़े होकर इस्तकबाल होता और फरमाया फातिमा तो बिदातु मिन्नी, ये तो मेरे वजूद का हिस्सा है, ये तो मेरे जिगर का टुकड़ा है। फरमाते नबी पाक अलैहि सलाम ने जुमले क्या इरशाद फरमाए? फरमाया लोगों को क्या हो गया है, अल्लाह की हद के मामले में सिफारिश करते हैं। फरमाया मुझे कसम है अल्लाह की इज्जत की, अगर मेरी बेटी फातिमा भी चोरी करती तो मैं उसका हाथ काट डालता, फातिमा बिनते मोहम्मद को भी सजा होती। भैया लफ्ज क्या है? महबूब ने फरमाया मैं अपनी मोहब्बत पर पैर रखता, मोहब्बत कुचल डालता, लेकिन अल्लाह के दीन को नाफिज करता। मैं फातिमा के साथ, बात को समझ रहे हैं आप हजरात? मेरा जुमला आपने समझा नहीं। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत को कुचल डालता, अपनी मोहब्बत को, बोलिए अपनी मोहब्बत को गोया कुचल डालता, और अल्लाह के दीन को, मैं दीन के मामले में किसी की रियायत, यहां तो पीर साहब कहते हैं तबलीग की तो बिगड़ जाएंगे, इनको कह दिया दीन पे अमल करो तो ये आएंगे नहीं। कहते मैं तेन ख्वाब देखी सी राती तो मैनू नजर आया सर, बाबा फरीद साहब भी तेन याद कर रहे थे मेरी ख्वाब, उसको उसको चढ़ाया जाता है बढ़ाया जाता है लेकिन उसको डांटा नहीं जाता शरी मामला में। कहते हमारा ख्याल रखता है ना इतना ही काफी है, दीन का रखे चाहे ना रखे। मेरे अजीज मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने हुदूदुल्लाह के मामले में सख्त हुक्म दिया। यहां लोग कहते हैं मेरा पुत्र नहीं मानता, वो कहते हैं सारी रात नाच गाना करना है, नहीं दीते मुंडा नहीं मानता, मोहब्बत देखनी है कि दीन देखना है ना, बोलो लेकिन बात तो सच्ची है ना, बोले ना बेशक आप हजरात, लेकिन बात तो सच, मोहब्बत देखनी है कि दीन, चलो जिन्हें बोलो इन्हें तो देखोगे ना इंशाल्लाह ताला, बाकी भी उन्होंने वेख के सही इंशाल्लाह ताला। बेटे की बात माननी चाहिए कि नबी पाक की, बाप की बात माननी है कि नबी पाक की, भाई की बात माननी है कि नबी पाक की? कहते जी वो फला नहीं मानता, क्या मतलब है तेरा? मेरे नबी करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसामा तुझसे तो बड़ा प्यार है ना, लेकिन फातिमा से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं प्यार ना देखता, मैं रब का दीन देखता।
मैं हुदूदुल्लाह नाफिज करता, हुदूदुल्लाह। नबी पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जलाल आता था जब कोई अल्लाह की हद तोड़ता था। नबी रहमत अलैहि, असल बात क्या थी, बड़ी मेहनत से हुजूर ने दीन सजाया, बड़ी मेहनत से। हम लोग कहते हैं ना, मेरा खून पसीना शामिल है, और मेरे भाई इस दीन की बुनियादों में मेरे रसूल का खून पसीना शामिल है। सहाबा कहते हैं जब मस्जिद नबी बनाई तो हुजूर जब ईंटें उठाते थे तो पसीना बह के ईंटों पे गिरता था, इसीलिए तो आज तक वहां से खुशबू आती है, इसलिए तो आज तक वहां से खुशबू आती है, हुजूर का पसीना गिरता था। और ओहद में मेरे रसूल पाक ने जो अपने खून को अपने हाथों पर रख लिया और कहा, अल्लाह तू देख रहा है ना, ये मुझे जानते नहीं, इन्हें हिदायत का नूर अता फरमा दे। और मेरे भाई खून पसीना, हुजूर ने दीन सैंचा सवारा, अपनी औलाद की कुर्बानी दी। जिस जिस मकान को तूने अपने हाथ से टाइलें लगाई हो, तेरा अपना बेटा भी वो टाइल तोड़ दे तू थप्पड़ मारता है, वो तुझे पता नहीं मैंने परदेश काट काट के बनाया है और तू तोड़ रहा है, मामूली समझते हो दीन की धज्जियां बखेरना। जब तू दीन की नाफरमानी करता है तो मदीने वाले रसूल का दिल दुख जाता है। गोया हुजूर फरमाते क्या कर रहे हो, मैंने बड़ी मुशक्कत से तुम्हें दीन दिया है, मैंने खून पसीना लगा के तुम तक पहुंचाया था, तुमने एक रात में उड़ा के रख दिया, तुमने चंद मिनटों में तबाही लगा दी सारे दीन की, सारी शरीयत की धज्जियां बखेर दी। और मेरे भाई मेरे हबीब करीम सैयद आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलाल करते, इसलिए कि मोहब्बत से दीन सहचा था, सवारा था। ख्याल करें, गौर करें, मेरे महबूब करीम महबूब पाक अलैहिस्सलाम किन बातों में जलाल फरमाते, उम्मतियों से नाराज हो जाते। हजरत उमर की शान से तो कोई इनकार नहीं ना कर सकता, मेरे महबूब ने खुद फरमाया है, फरमाया मेरा उमर जिस गली से गुजरे शैतान रास्ता ही बदल जाता है। और नबी पाक अलैहिस्सलाम के एक हदीस यूं भी है, फरमाया जब तक उमर दुनिया में रहेगा जहन्नम को ताला लगा रहेगा, ये लोगों को गुनाह ही नहीं करने देगा तो लोग दोजख में जाएंगे कैसे, ये ताला लगा देगा दोजख को। इतना अजीम शख्स, जनाब उमर कहते हैं मुझसे भी हुजूर एक दिन नाराज हो गए, गजब से उनके खुदा बचाए, गजब से उनके खुदा बचाए जलाले बारी इताब में मुझसे भी नाराज हो गए और गिरा जो निगाह से उनकी वो संभल नहीं सकता। हजरत उमर फरमाते कई महीनों हुजूर के उन जुमलों की, उस नाराजगी की टीसें मेरे सीने में उठती रहीं, और आज भी जब ख्याल आता है तो मैं अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाता हूँ कि अल्लाह वो मेरी बड़ी खता थी। सुनो, हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह तआला अन्हु से लोगों ने कहा उमर हुआ क्या, तो फरमाने लगे मुझे पता चला कि तौरात इंजील और जबूर भी अल्लाह की किताबें हैं, तो मैं कहीं से तौरात उठा लाया और मस्जिद नबी में मैंने बैठ के पढ़नी शुरू कर दी। फरमाने लगे मदीने के महबूब तशरीफ लाए, हुजूर ने मेरी तरफ देखा और हुजूर तौरात को भांप गए, देख गए कि तौरात है। नबी पाक ने फरमाया क्या पढ़ रहे हो, अर्ज की हुजूर तौरात पढ़ रहा हूं। तो फरमाते हजरत उमर ये लफ्ज मेरे मुंह से निकले तो मैंने हुजूर के चेहरे का रंग बदलते देखा, बस गजब से उनके खुदा बचा, मैंने रंग बदलते देखा, चेहरा अनवर पे जलाल देखा। और हुजूर ने फरमाया उमर जो दीन मैंने तुम्हें दिया है वो मुकम्मल नहीं, जो पैगाम मैंने तुम तक पहुंचाया है वो कामिल नहीं, जो शरीयत मैं लेके आया वो अकमल ने, एक दर फड़िए, एक नू मनिए, एक दे ही होके मरिए। फरमाया वो मुकम्मल और कामिल नहीं, कामिल नहीं। हजरत उमर कहते हैं यार सुल्ला क्या हुआ, फरमाया तू तो रात पढ़ रहा है। और फिर हुजूर ने अगले लफ्ज अदा फरमाए, फरमाया कसम मुझे अल्लाह की इज्जत की, अगर आज मूसा हयात जाहिरी में होते, सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम अगर आज हयात जाहिरी में होते तो फरमाया वो मेरा कलमा पढ़ के मेरी शरीयत की पैरवी करते। तुम तो रात पढ़ रहे हो, तुम लोगों के पीछे जा रहे हो। फरमाया मैं अपनी मोहब्बत के मामले में किसी की शराकत पसंद, आप लफ्जों पे गौर करें ना, जब मिशकात में हुजूर आए हैं तो एक सहाबी कह रहे थे हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, दूसरे कह रहे थे जनाब ईसा रूहुल्लाह है, तीसरे कह रहे थे इब्राहिम खलीलुल्लाह है। हुजूर ने क्या फरमाया, जरा अंदाज देखिए ना, एक नु मनिए, एक दर फड़िए, एक दे ही होके मरिए, मोहब्बत में शराकत दारी काबले कबूल है, ये कैसे हो सकता है। मेरे सामने को किसी और का नाम ले जाइए, मुमकिन है, वो ही नहीं। मियां शेर मोहम्मद शरकपुरी रहमतुल्लाह ताला ले रियाकारी पे बात कर रहे थे, दिखावा ना करो, दिखावा ना करो, किसी और को अल्लाह की इबादत में शामिल ना करो। उनका एक बेली कहने लगा मियां साहब समझ नहीं पी लग दी कि रब करीम को क्यों इतना नापसंद है, कोई और भी देख ले क्यों इतना नापसंद है।
तो बंदा सादा था, उसको कुरान मजीद की आयात की और अहादीस के दलाइल की समझ नहीं आ रही थी, ज्यादा ही कमजोर था, ज्यादा ही सादा था, देहाती था। तो मियां साहब कहने लगे, और नहीं अल्लाह अल्लाह की इबादत में किसी और, कहने लगा बड़ा हौसला होता है बंदों का, बंदे दो तीन लोगों को बर्दाश्त, अल्लाह क्यों रियाकारी क्या मतलब। तो मियां साहब ने उसको समझाने के लिए मिसाल दी, समझाने के लिए बिला मिसालो बिला तशबीह, सिर्फ समझाने के लिए मियां साहब फरमाने लगे आज घर जाना और अपनी बीवी से कहना तेरे सामने किसी गैर का नाम ले। लगा हुजूर ओदी मैं जुबान ना कट देंगा, फिर रहना सू मेरे घर ही रहना सू ना लैके। तो आप फरमाने लगे तेरा तो हौसला एक दूसरे बंदे का नाम का नहीं है, हालांकि तू उसका मालिक तो नहीं, सिर्फ उसका खावंद है, और रब तो तेरा मालिक है, अल्लाह मालिक है, उसके सामने तू शराकत दारी करे। मेरे हबीबे पाक अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत में शराकत दारी को पसंद, एक सहाबी कह रहे हैं हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह, कह रहे हैं जनाब ईसा ज़बीहुल्लाह, हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह, तीसरे कह रहे हैं मूसा कलीमुल्लाह, चौथे कह रहे हैं हजरत ईसा। हुजूर आए और मैं क्या कह रहे हो, आला वा आना हबीबुल्लाह, वो सारे अपनी अपनी शानों वाले हैं, तुम मेरी तरफ देखो, मुझे अल्लाह ने अपना महबूब बनाया है, मैं अल्लाह का महबूब हूं, तुम दाएं बाएं क्यों देखते हो, मेरी तरफ देखो। हजरत सैयदना उमर फारूक को नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उमर अगर हजरत मूसा हयात जाहिर में होते तो मेरा कलमा पढ़ते, तुम दाएं बाएं देख रहे हो, कोई बचा नहीं होगा सियासतदान जिसने क्रिसमस का केक ना काटा हो, कोई बचा नहीं होगा, किसी ने कोई होली में जा रहा है, कोई दिवाली में जा रहा है, कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है। अब और भी कुछ लोग जदीद हो गए, अरब की जमीन पे मंदिर बनाने की इजाजत मिल गई है जी, सियाने हो गए। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मनसूख हो गए दीन, अब कयामत तक सिक्का चलेगा तो मोहम्मद अरबी का चलेगा, अब कयामत तक डंका लगेगा तो या रसूल अल्लाह के नारे का डंका बजेगा, अब किसी और की बात चल सकती, अगर दुनिया में अब इबादत होगी तो मस्जिद में होगी। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल खुदा व दीन अल हक लियुज़हिरहु अला दीन कुल्ली, अब मेरा दीन गालिब होगा, ये तमाम दीनों पर छा करके वक्त गुजारेगा।